हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त नीरव शाह। हम लेकर आपके लिए डिफेंस अपडेट, पर्सनल कोच, गैजेट अनबॉक्सिंग्स और एक न्यूज़। तो गाइस, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे INS ब्रह्मपुत्र के बारे में, जो कि एक नेवल वेसल है यहाँ पे। ब्रह्मपुत्र ही क्यों, काफी टाइम बाद अगर आप मेरी चैनल को अगर आप फॉलो करते हो तो गाइस, यहाँ पे काफी टाइम बाद, तकरीबन 1.5 साल के बाद ये वीडियो यहाँ पे पोस्ट हो रहा है। इट इज अ फर्स्ट वीडियो आफ्टर 1.5 ईयर। सो रीजन है, बीच में ऑफ ट्रैक रहा था 1.5-1 साल कुछ रीजंस की वजह से। INS ब्रह्मपुत्र के ऊपर जो है गाइस, यहाँ पे 21 जुलाई को एक इंसिडेंट होता है। मेंटेनेंस के लिए ये वेसल जो है नेवी का, यहाँ पे मझगांव डॉक पे आता है, जो कि नेवी का एक डॉकयार्ड एरिया है वहां पे। तो उस दौरान जो है वेसल के ऊपर यहाँ पे फायर हो जाता है, आग लग जाती है, और 22 जुलाई को फायर कंट्रोल में लाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है गाइस, वेसल जो है एक तरफ पूरी तरीके से पोर्ट साइड के ऊपर डूब जाता है। यहाँ पे एक सेलर भी मिसिंग है, उसका भी यहाँ पे दोस्तों वो लोग नेवी के जो है हमारे डाइवर्स, वो भी वहां पे चेक करें, मतलब रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इट इज राइट नाउ टू लेट। कुछ अपडेट्स भी निकल के नहीं आया है। तो गाइस, INS ब्रह्मपुत्र जहां तक की बात है, F-31 इसका नंबर है शिप का। बेसिकली गार्डन रिच शिप बिल्डर्स ने इस शिप को बनाया था 1994 में, और 2000 में ये जो है कमीशन हुआ था इंडियन नेवी में। सो INS ब्रह्मपुत्र जो है बेसिकली गोदावरी क्लास का एक मॉडिफाइड वर्जन है। गोदावरी क्लास जो थे, यहाँ पे आर्मामेंट्स की थोड़ी कमी थी, बिकॉज गोदावरी क्लास जो थे 1970s के वेसल थे, जिसके अंदर अगर हम देखें, अगर हमको कुछ भी लॉन्च करना हो तो यहाँ पे मैन्युअली इंटरवेंशन करना पड़ता था। बट व्हेन इट कम्स टू ब्रह्मपुत्र क्लास, सारी चीजें यहाँ पे ऑटोमाइज तरीके से काम करती है। इवन यहाँ पे टॉर्पिडो ट्यूब्स भी है। अगर मैं KH-35 लॉन्चर की बात करूँ तो आपको यहाँ पे 16 KH-35 लॉन्चर्स देखने मिल जाएंगे। वहीं यहाँ पे आपको 26 SAM बराक मिसाइल्स देखने मिल जाएंगी, जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल्स है। रेंज की बात करें गाइस, तो तकरीबन 4,500 किलोमीटर की इसकी रेंज है। वहीं पे 450 क्रू मेंबर को ब्रह्मपुत्र सील कर सकता है साथ में, और एक हेलीकॉप्टर जो कि सीकिंग हेलीकॉप्टर है, इसके ऊपर हम डिप्लॉय कर सकते हैं। अब सीकिंग जो है सबमरीन हंटर के नाम से भी इस हेलीकॉप्टर को, चॉपर को हम जानते हैं, बिकॉज ये जो है ये हेलीकॉप्टर टॉर्पिडो फायर कर सकता है। काफी इंपॉर्टेंट नेवी का वेसल था। अब पता नहीं, यहाँ पे नेवी के जो वाइस हमारे एडमिरल है, उनका स्टेटमेंट है इन्वेस्टिगेशन इसके ऊपर होगी, और हाई लेवल की इन्वेस्टिगेशन होगी, बिकॉज INS ब्रह्मपुत्र इज वन ऑफ द फाइनेस्ट असेट ऑफ द इंडियन नेवी। तो यहाँ पे मैं बात करूँ कुछ मिशंस के बारे में। 2009 में जो है यहाँ पे टास्क फोर्स था, टास्क फोर्स 54 जो था, यहाँ पे वो लोग ने काफी सारी ट्रेनिंग्स की थी कोंकण रीजन में। कोंकण की जो कोस्टल लाइन है वहां पे वरुण एक्सरसाइज हुआ था 2009 में, ये भी यहाँ पे की गई थी। अब काफी सारे मिशंस को जो है INS ब्रह्मपुत्र अंजाम दे चुका है। जब लेबनन और इसराइल का यहाँ पे क्राइसिस चल रहा था, वॉर सिचुएशन चल रहा था, तब मेडिटेरियन सी से जो है INS ब्रह्मपुत्र ने काफी सारे लोगों को वहां से इवैक्यूएट किया था। ऑपरेशन सुकून जिसकी मैं बात कर रहा हूँ गाइस, तो ऑपरेशन सुकून के दौरान भी इसको एक्सटेंसिवली यूज किया गया है। और INS ब्रह्मपुत्र इंपॉर्टेंट रोल इसलिए प्ले करता है क्योंकि एक ऐसा नेवी का मिसाइल गाइडेड फ्रिगेट शिप है, जहां से आप 26 SAM बराक जो मिसाइल्स है हमारे सरफेस टू एयर, वो फायर कर सकते हैं। इसके ऊपर काम चल रहा था गाइस, ब्रह्मोस डेक अगर आपको कहीं देखने मिलेगा कोई फ्रिगेट शिप के ऊपर, तो ब्रह्मपुत्र वेसल है, ब्रह्मपुत्र के ऊपर आपको देखने मिल जाएगा। 2017 में मैंने इस वेसल को पर्सनली विजिट किया था, नेवी डे का जब दिन था उसके दौरान ये वेसल को डॉक किया गया था मझगांव के यहाँ पे। तो आई वॉज लकी, वेरी लकी फॉर्चुनेट वंस टू विजिट दिस शिप। काफी बेहतरीन शिप था। अगर मैं बात करूँ, ये जो इसकी लागत है दोस्तों, तकरीबन 6,000 करोड़ के आसपास की इसकी प्राइस है, और 1994 में आप सोचिए ये प्राइस तभी की एस्टिमेटेड प्राइस, और आज तो अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो फार फार मोर देन 25,000 करोड़ के आसपास जो इसकी लागत आज की डेट में थी। 2000 में कमीशन हुआ था, 24 ईयर्स का सीलिंग अगर कहते हैं प्रॉपर नेवी के दौरान के सर्विस 24 ईयर्स की उन्होंने दी, काफी कम है। अब इसके ऊपर एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन होगा, लेकिन यहाँ पे अगर आप सीरीज देखें, सीक्वेंस देखें, 2013 के बाद जो है यहाँ पे काफी सारे हादसे हुए। सिंधु रक्षक जो हमारी एक सबमरीन थी, इसके साथ भी 2013 में यहाँ पे हादसा हुआ। काफी INS चक्र के साथ, जो कि एक हमारी न्यूक्लियर पावर सबमरीन थी, जो हमने रशिया के पास से यहाँ पे रेंट के ऊपर 10 साल के लीज के ऊपर ली गई थी, इसके अंदर भी उसके हल में डैमेज हुआ था। तो काफी सारे असेट्स को लेके यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, नेवल असेट्स को लेके स्पेसिफिकली कुछ इश्यूज चल रहे हैं। लेट सी इसके ऊपर जो है यहाँ पे हमारी मिनिस्ट्री, हमारी MOD जो भी है, इन्वेस्टिगेशन होगा, हमारे सामने आएगा क्या रीजन है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, वन ऑफ द फाइनेस्ट नेवल असेट को यहाँ पे डैमेज पहुंचा है। स्टेट ऑफ द आर्ट ये वेसल है। अगर यहाँ पे मैं लॉन्चर्स की बात करूँ, यहाँ पे काफी सारे डिकॉयज है। जब कभी भी नेवल वॉरफेयर होता है, मतलब समंदर के अंदर जब कभी भी यहाँ पे नेवी वॉरफेयर की हम जब बात करते हैं, तब जो है ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों मोड में ना काफी इंपॉर्टेंट, ज्यादा ऑफेंसिव मोड रहता है। तो यहाँ पे काफी सारे डिकॉयज, शेप्स वगैरह ये शिप में डिप्लॉय थे, मतलब ये कर सकते थे डिप्लॉय। वहां पे कवच सिस्टम भी इस शिप के अंदर मौजूद था। कवच जो है बेसिकली एक स्टील का आर्मर बना देता है, जो लेट से कि अगर
कोई आपका एनिमी का वेसल अगर ये ब्रह्मपुत्र की रेंज में आता है, तो ब्रह्मपुत्र उसे डिकॉय करने के लिए यहाँ पे शेफ्स आयरन में एल्यूमिनियम के शेफ्स पानी में डाल देगा। सी के अंदर जो है ये शेफ्स एक रेप्लिकेट बना देते हैं एनएस ब्रह्मपुत्र का, जिससे एनिमी की टॉर्पीडोज, एनिमी को आइडिया नहीं लग पाएगा कि कितने ब्रह्मपुत्र, आई मीन ब्रह्मपुत्र का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, तो उसे टॉर्पीडो फायर करने में यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। सो ये एक हाई लेवल एडवांस शिप था। रेंज रडार की बात करें, बेहतरीन रेंज है, तकरीबन 4,500 किलोमीटर का इसका रेंज था। 56 नॉट्स की इसकी स्पीड थी, जो कि काफी अच्छी स्पीड मानी जाती है व्हेन इट कम्स टू मिसाइल गाइडेड फ्रिगेट, बिकॉज फ्रिगेट के ऊपर का अगर हम रेंज देखें तो डिस्ट्रॉयर शिप का आता है, कॉर्बेट इसका आता है, लेकिन यहाँ पे अगर फ्रिगेट की बात करूँ, एक फ्रिगेट की स्पीड इतनी होना काफी यहाँ पे मायने रखता है। सो देखते गाइज, एक फाइनेस्ट वेसल था नेवी का, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, स्टेट ऑफ द आर्ट इसे हम कह सकते हैं। INS विशाखापट्टनम को जब आप INS ब्रह्मपुत्र से कंपेयर करेंगे तो मोर और लेस आपको जो है उसके आर्मामेंट्स जो है वो आपको ऑलमोस्ट सेम दिखने मिलेंगे। काउंटर मेजर्स जिसे हम कहते हैं नेवल लैंग्वेज में, वो भी आपको ऑलमोस्ट सेम दिखने मिलेगा। रडार क्रॉस सिग्नेचर भी जो आप देखोगे शिप का काफी एडवांस है। इसके ऊपर जो है काफी सारे रडार जो कि इंडियन मेड रडार, जो हमारे मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया जो हमने किए गए मेड इन इंडिया रडार्स आपको देखने मिल जाएंगे। सो देखते हैं गाइस, अब इस शिप को जो है गार्डन रिच शिप बिल्डर जो वापस इसको बनाएंगे या क्या होने वाला, आई एम नॉट श्योर, बिकॉज अगर एक इतना अच्छा वेसल को अगर लॉस हुआ है तो डेफिनेटली काफी सारे और भी वेसल्स यहाँ पे इंडक्ट होने बाकी है। लेट्स से भी आगे देखते हैं क्या न्यूज आती है इसके ऊपर, और कुछ न्यूज आएगी आई कीप यू अपडेटेड गाइस। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच गाइस, बाय।